दोस्तों, सनी देओल की सबसे पहली मूवी 1983 में बेताब रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में थे सनी देओल एंड अमृता सिंह। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की दूसरी मूवी सनी 84 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल, अमृता सिंह एंड धर्मेंद्र थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की तीसरी मूवी आई थी 84 में मंजिल मंजिल। इसमें सनी देओल एंड डिंपल कपाडिया थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की चौथी मूवी आई थी सोहनी महिवाल, जो 1984 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल एंड पूनम ढिल्लो थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की पाँचवीं मूवी 1985 में जबरदस्त रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल, रति अग्नोत्री, जयप्रदा, संजीव कुमार थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी अर्जुन 85 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल, डिंपल कपाडिया एंड अनुपम खेर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1986 में सवेरे वाली गाड़ी आई थी। इसमें सनी देओल, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा एंड धर्मेंद्र थे। ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की 1986 में सल्तनत आई थी। इसमें सनी देओल, श्रीदेवी एंड धर्मेंद्र थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1986 में ही समुद्र आई थी। इसमें सनी देओल एंड पूनम ढिल्लो थे। ये फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1987 में डकैत आई थी। इसमें सनी देओल एंड मीनाक्षी, शेषाद्री, परेश रावल एंड रजा मुराद थे। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1988 में राम अवतार आई थी। इसमें सनी देओल, अनिल कपूर एंड श्रीदेवी थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1988 में ही इंतकाम आई थी। इसमें सनी देओल, अनिल कपूर एंड मीनाक्षी शेषाद्री थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1988 में ही पाप की दुनिया आई थी। इसमें सनी देओल, चंकी पांडे, नीलम प्राण एंड डैनी डंजम्पा थे। ये हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1988 में ही यतीम आई थी। इसमें सनी देओल, फरानाज, डैनी डंजम्पा थे। इस फिल्म को हिट करार दिया गया था। सनी देओल की 1989 में निगाहें नगीना का पार्ट टू आई थी। इसमें सनी देओल, श्रीदेवी एंड अनुपम खेर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 89 में मजबूर आई थी। इसमें सनी देओल, फरानाज एंड जितेंद्र थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1989 में आग का गोला आई थी। इस फिल्म में सनी देओल, डिंपल कपाडिया एंड शक्ति कपूर थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1989 में ही जोशीले आई थी। इस फिल्म में सनी देओल, श्रीदेवी, अनिल कपूर एंड मीनाक्षी शेषाद्री थे। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1989 में ही वर्दी आई थी। इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित एंड किमी काटकर थे। ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1988 में ही त्रिदेव आई थी। इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह एंड माधुरी दीक्षित थे। ये सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 89 में ही चालबाज आई थी। इसमें सनी देओल, रजनीकांत एंड श्रीदेवी थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट, सुपर हिट करार दिया गया था। सनी देओल की अगली मूवी 1990 में क्रोध आई थी। इस फिल्म में सनी देओल, संजय दत्त एंड अमृता सिंह थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1990 में आई थी घायल। इस फिल्म को शायद ही किसी ने न देखा हो। ये बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, मौसमी चटर्जी, राज बब्बर एंड अमरीश पुरी। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का दोस्तों बजट था 2 करोड़ रुपए, जबकि इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
21 करोड़ रुपए किया था। इस अगली मूवी आई थी 1991 में विष्णु देवा, इसमें सनी देओल, नीलम, आदित्य पंचोली एंड डैनी डेंजम्पा थे। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी 1991 में शंकरा, इसमें सनी देओल एंड नीलम थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी योद्धा 1991 में, इसमें सनी देओल, संजय दत्त, संगीता बिजलानी एंड परेश रावल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1991 में ही नरसिम्हा आई थी, इसमें सनी देओल, उर्मिला मातोंडकर, डिंपल कपाड़िया एंड ओमपुरी थे। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी आई थी विश्वात्मा 1992 में, इसमें सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह, दिव्या भारती एंड अमरीश पुरी थे। ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1993 में छत्री आई थी, इस फिल्म में सनी देओल, संजय दत्त, दिव्या भारती, रवीना टंडन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना एंड मीनाक्षी थे। ये एवरेस्ट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1993 में डर आई थी, इसमें सनी देओल, जूही चावला एंड शाहरुख खान थे। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसका बजट 3 करोड़ रुपए था जबकि कलेक्शन था 21 करोड़। सनी देओल की 1993 में वीरता आई थी, इसमें सनी देओल, जयप्रदा एंड शक्ति कपूर थे। ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1993 में इज्जत की रोटी आई थी, इसमें सनी देओल, जूही चावला, ऋषि कपूर एंड फरानास थे। ये फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी गुनाह आई थी 1993 में, इसमें सनी देओल एंड डिंपल कपाड़िया थे। ये भी फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1993 में लुटेरे आई थी, इसमें सनी देओल, चंकी पांडे, जूही चावला एंड पंपखेर थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की 1993 में दामिनी मूवी आई थी, इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर एंड मीनाक्षी शेषाद्री थे। ये सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की 1994 में इम्तहान मूवी आई थी, इस फिल्म में सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1994 में इंसानियत आई थी, इसमें सनी देओल, अमिताभ बच्चन, चंकी पांडे, जया प्रदा, रवीना टंडन थे। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1995 में दुश्मनी आई थी, इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोयराला थे। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की 1995 में अंगरक्षक मूवी आई थी, इसमें सनी देओल एंड पूजा भट्ट थे। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की 1996 में अजय मूवी आई थी, इस फिल्म में सनी देओल, करिश्मा कपूर एंड सुरेश ओबराय थे। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1996 में हिम्मत आई थी, इसमें सनी देओल एंड शिल्पा शेट्टी थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1996 में जीत आई थी, इसमें सनी देओल, सलमान खान एंड करिश्मा कपूर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1996 में घातक मूवी आई थी, इसमें सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, डैनी डेंजम्पा थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म को दोस्तों सुपर हिट करार दिया गया था। अगली मूवी 1997 में बॉर्डर मूवी आई थी, ये बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मल्टी स्टारर मूवी थी। इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, तब्बू एंड पूजा भट्ट थे। ये फिल्म दोस्तों देश पर बनी हुई फिल्म थी। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 65 करोड़ रुपए था। सनी देओल की अगली मूवी 1997 में कहर आई थी, इस मूवी में सनी देओल, सुनील शेट्टी, रंभा, सोनाली बेंद्रे एंड परेश रावल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1997 में जिद्दी आई थी, इस फिल्म में सनी देओल एंड रवीना टंडन लीड रोल में थे। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की 1998 में जोर मूवी आई थी, इस फिल्म में सनी देओल, सुष्मिता सेन एंड अनुपम खेर लीड रोल में थे। सनी देओल की इस फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था। सनी देओल की 1998 में सलाखे मूवी आई थी, इसमें सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर एंड अमरीश पुरी लीड रोल में थे। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फ्लॉप साबित किया गया था।
सनी देओल की 99 में अर्जुन पंडित मूवी आई थी। इस फिल्म में लीड रोल में सनी देओल, जूही चावला एंड अनुपम अनु कपूर थे। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की 1999 में प्यार कोई खेल नहीं मूवी आई थी। इसमें सनी देओल, महिमा चौधरी और अपूर्वा थे। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली मूवी 1999 में दिल लगी आई थी। इसमें सनी देओल, बॉबी देओल एंड उर्मिला मातोंडकर थे। ये भी फ्लॉप साबित हुई थी।